फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सिस्टर्स रेसिपी एंड लाइफ स्टाइल। आज हम बना रहे हैं सूजी का मोदक। इसको बनाने में ज़रा भी समय नहीं लगता है, बहुत ही जल्दी बन के तैयार हो जाता है गणेश जी का प्रिय भोग है मोदक। तो चलिए आज हम आपको इसकी पूरी रेसिपी दिखाएंगे। बनाने के लिए मैंने एक कटोरी सूजी ली हुई है। ये काजू बादाम को बारीक कट कर लिए हैं। सबसे पहले काजू बादाम को फ्राई कर लेंगे। गैस पे कढ़ाई रख दिए हैं कि गर्म हो गया है। अब इसमें पहले काजू बादाम को फ्राई कर लेंगे। फ्राई करके डालेंगे तो अच्छा लगेगा, इसका टेस्ट अच्छा आएगा, खाने में सुंदर सुंदर लगेगा। इसको एक बर्तन में निकाल लेंगे। सारा निकाल लेंगे। अब इसी घी में हम सूजी को भून लेंगे। एक कटोरी मैंने सूजी ली है, इसी कटोरी से गैस की फ्लेम को मीडियम रखिएगा। मीडियम आंच पे इसको बराबर चलाते रहेंगे। अब सूजी भून गई है, इतना ही भूनना है, अधिक आपको लाल नहीं करना है। ये देखिए बस इतना ही रखना है। अब इसमें हम ये देखिए ग्रेट किया हुआ नारियल, इसी में नारियल भी ऐड करेंगे और थोड़ी देर और इसको भूनेंगे। नारियल भी थोड़ा सा भून लेंगे इसी के साथ सूजी में। नारियल भी अच्छे से मैंने भून लिया इसी में। थोड़ी देर आपको 5 मिनट तक भून लेना है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको गैस से नीचे उतार लेंगे। कढ़ाई को थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब एक कटोरी शक्कर लिए हैं, इसको पीस लेंगे। ये देखिए चीनी का मैंने ऐसे बारीक पीस लिए हैं। अब इसको इसी में मिक्स कर देंगे। आप कम मीठा खाना पसंद करते हो तो कम कर दीजिए मीठा, थोड़ा चीनी कम कर दीजिएगा, वैसे मीठा रहेगा तो अच्छा ही लगेगा मोदक। अब इन सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से। ये काफ़ी देखिए बिल्कुल हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं है। अब इसमें हम मिक्स करेंगे खोया। मैंने घर में बनाया था खोया। ये देखिए खोया ऐड कर देंगे। हाथों से मिक्स करेंगे अच्छे से तो अच्छे से मिक्स हो जाएगा। अच्छे से हाथों से ऐसे मिक्स कर देंगे तो बराबर से अच्छे से मिक्स हो जाएगा। खोए को बहुत अधिक सूखा मत रखिएगा, हल्का गीला रहेगा तो सही रहेगा, ज़्यादा सूखा रहेगा तो नहीं सही रहेगा। मोदक आपका अच्छे से बनेगा थोड़ा गीला रहेगा खोया तो। ये देखिए सूजी भी हल्की हल्की गर्म थी तो जब मैंने चीनी डाला तो ये देखिए हल्का हल्का, और खोया भी गीला था। ये देखिए बहुत अधिक आप सूखा मत रखिएगा खोया तो आसानी से मोदक बन जाएगा आपका। और ये बहुत ही आसानी से बन जाता है मोदक, बड़ा बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है मोदक बनाने में, सबसे ईजी रेसिपी है। अब चलिए मोदक अच्छे से मिक्स कर दिए, मोदक बनाना शुरू करते हैं। हाथों को पहले धुल लेते हैं। अब हाथों को मैंने धुल लिया अच्छे से। ये देखिए मोदक बनाने का ये सांचा है तो इसी से बनाएंगे मोदक। इसमें हम पहले घी लगाएंगे थोड़ा से। तो बहुत ही आसानी से मोदक आपका निकल आएगा, बनाएंगे तो ख़राब नहीं होगा। ये आपको मार्केट में मिल जाएगा बड़े ही आसानी से सांचा। अब ऐसे हमने घी लगा दिया है, चलिए बनाते हैं।
ऐसे। इधर भी ऐसे भर देंगे। अब इसी में जो ड्राई फ्रूट्स मैंने फ्राई किया था उसको बीच में भरेंगे। ये देखिए काजू बादाम को थोड़ा थोड़ा बीच में भर देंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अब इसको ऐसे बंद कर देंगे। ये जो यहाँ पे खाली है इसमें भी थोड़ा सा भर देंगे ऐसे। ये देखिए कितना सुंदर मोदक बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा। अब इसको एक बर्तन में रखते जाएंगे। ऐसे ही हम सारे मोदक बना लेंगे। बहुत ईजी बनाना। अब इसमें बीच में ये देखिए बारीक कटा हुआ जो काजू बादाम था उसको भर देंगे बीच में। ऐसे हटा कर दबा दीजिए ऐसे। अब इसको ऐसे कर देंगे। अब ये बीच में भी थोड़ा सा भर देंगे। पूरा कवर कर देंगे ऐसे। अब इसको ऐसे खोल देंगे। ये देखिए हल्के हाथों से ऐसे करेंगे तो बड़ी आसानी से निकल आएगा। ये देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसके अंदर जो मैंने स्टफिंग भरी थी ये देखिए ऐसे ही सारे मोदक हम बना लेंगे बहुत ही आसानी से। ये देखिए ऐसे इधर से भी निकाल लेंगे। ये देखिए ये फ्रेंड सारे मोदक बन के हमारे तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एक कटोरी सूजी मैंने जो ली थी उसमें इतने मोदक बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा मोदक बन के तैयार हुआ है। ये देखिए आपको पास से दिखाते हैं कितना प्यारा लग रहा है मोदक। एक बार आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही टेस्टी बन के तैयार हुआ है मोदक। देखिए आपको हम तोड़ के दिखाते हैं इसके अंदर। ये देखिए कि मैंने काजू बादाम भरा हुआ था। ये देखिए तो फ्रेंड्स आपको ये हमारी मोदक की रेसिपी कैसे लगी। अगर पसंद आई हो हमारे इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।